मंडला सिवनी मार्ग हुआ बंद। नैनपुर में थावर नदी का पुल टूटा। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से आई बाढ़ से थावर नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। अनुविभागीय अधिकारी सोनल सिडाम का कहना है कि पेंच वर्क कल शाम तक लाइट व्हीकल के लिए एवं हेवी व्हीकल के लिए 26 तारीख तक पुल तैयार हो जाएगा। नवीन पुल निर्माण कार्य धीमी गति से 3 से 4 वर्ष से चल रहा है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पिछले 2 दिनों से नैनपुर सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले भर के नदी नाले उफान पर है। कई ग्रामों का जिले से संपर्क टूटा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नैनपुर में थावर नदी पर बना पुल अत्यधिक बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। चूंकि पिछले वर्ष भी यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, उस समय भी मंडला से सिवनी नागपुर यातायात कुछ दिनों के लिए बंद था, जिसके लिए राहगीर पिंडरई छिंदा होते हुए आगे का सफर कर रहे थे। बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नवीन पुल निर्माण का कार्य भी 3 से 4 वर्षों से चल रहा है, लेकिन इतने समय बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका है। यदि प्रशासन समय समय पर इसकी सुध लेता तो शायद इस वर्ष यह आम नागरिकों को परेशानी नहीं होती। ये अभी सेतु ब्रिज का पुल है, जिसके द्वारा आज हमारी मेरी सुबह से चर्चा हुई है, तो रिस्टोरेशन का वर्क स्टार्ट हो गया। तो आज हम 6 बजे तक संभवतः लाइट व्हीकल के लिए पुल स्टार्ट हो जाएगा आवागमन मंडला सिवनी रोड पे। और जितना भी बाकी का रिस्टोरेशन है, मतलब बड़ा व्हीकल के जाने के लिए, हैवी व्हीकल के लिए 26 तारीख तक के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि 26 तारीख से बड़े व्हीकल का आवागमन चालू है। तो अभी ब्रिज का तो लगभग काम शायद हो गया है, बस नीचे का जो पाथवे है उसका वर्क अभी ऑनगोइंग है। अभी जो एजेंसी इतनी सिवनी वाली सेतु ब्रिज एजेंसी है, तो उनके द्वारा अभी वर्षाकालीन के बाद स्टार्ट करने का है। आज शाम तक हम लाइट व्हीकल के लिए स्टार्ट कर देंगे आवागमन, और 26 तारीख से हम प्लान किए कि 26 तारीख से फिर जो हैवी ट्रैफिक है उसको अलाउ कर देंगे। जी, उनसे चर्चा हुई है हमारी, इसी का अभी तो हमारा फिलहाल फोकस है कि आवागमन स्टार्ट हो जाए, तो ये जो पुल क्षतिग्रस्त है इसको हम पहले रिस्टोर करके आवागमन स्टार्ट होने को। मैं रूट डाइवर्ट किया है फिर थ्रू जो सिर्फ मंडला से सिवनी की तरफ जाने के लिए, थ्रू मंडला से पिंडरई एंड धनोरा मार्ग होते हुए जाएंगे। और अगर कोई मंडला से जाएगा जाएगी घनसौर, ऐसे 2 रूट डिसाइड किए, तो वहीं से डाइवर्शन। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।